सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द कलमसन भाई। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। कैसे हो आप सभी? तो यार आज फिर से मैं लेकर अपने बटासर भाई को अपने साथ। कलम ने बेला भाई का एक रिएक्शन किया था जो कि आया था भाई नई म्यूजिक वीडियो के साथ, बट अभी हम करने जा रहे हैं SOS की फुल EP पे रिएक्शन। उसके पीछे का एक ही रीज़न है, वो हो सिर्फ आप, क्योंकि आपकी इतनी ज़्यादा डिमांड आई है, कमेंट सेक्शन में इतनी ज़्यादा गाली पड़ी है, तो अब कवर करना पड़ेगा, ठीक है। और वो ऐसा कोई नहीं है कि भाई हमें पेमेंट वगैरह मिल या फिर कोई सीन है या फिर SOS से कोई नफरत है। भाई SOS भाई गोटेड डू हो भाई, लिटरली, ठीक है। तो कोई नहीं भाई, मेरे साइड से डिले हुआ है तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। बाकी आज हम करेंगे भाई SOS की EP पे रिएक्ट, और EP का नाम है भाई तरियक, या तरिया नहीं, तरियक ओनली, तरियक तरियक भाई, तरियक क्यों, और उसका नाम होता है एंटीडोट, ठीक है, कि किसी पॉइजन से लड़ने की दवा। बाकी तो अपने इसमें भाई बाकी चूत तो नहीं है भाई, भाई 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 मत बोलो भाई, येलो डॉलर आ जाता है भाई, ठीक है। तो अपने इसमें जो दो आर्टिस्ट है आपको पता है, SOS डुओ है, तो शायद और तुफेल, एंड पर्सनली मेरा तो भाई तुफेल फेवरेट है। आपका दोनों ही अच्छे हैं यार, दोनों अपने अपने जोनरा में बेस्ट है। देखो भाई ऐसे मैं नाम नहीं लूंगा, चलो भाई ठीक है। तो सीधा बढ़ता है अपनी रिकॉर्डिंग की तरफ और रिएक्शन वगैरह स्टार्ट करता है। और ये हमारे 6 गाने हैं, ठीक है, मतलब EP के 6 गाने हैं, जिसमें पहले गाने का नाम है कोडिस्टर, कोडिस्टर जो कि, और इसके पूरी EP का प्रोडक्शन किया है 30 की ने। एंड जब इनकी और सीधे मौत की बीफ हुई थी भाई, तब भी सारा प्रोडक्शन 30 की ने किया था। मतलब भाई क्या क्रेजी प्रोडक्शन करता है भाई 30 का, मैंने भी सुना। आई डोंट नो 30 की के पीछे कौन सा फेस है या फिर क्या है ये बंदा, बट भाई प्रोडक्शन लिटरली गुड। तो भाई फालतू बातें बीच बीच में करते रहेंगे, लेकिन उससे पहले हम अपनी EP का फर्स्ट ट्रैक का रिएक्शन स्टार्ट करते हैं, जिस गाने का नाम है कोडिस्टर। एंड इसका रिएक्शन स्टार्ट करते हैं राइट नाउ, लेट्स गो भाई। भाई ये क्या चल रहा है भाई, कुछ तो है, कुछ गलत है भाई। ओए शिट भाई भाई भाई, पहले मैं गैस कर रहा हूं, किसी लड़की को लिटा रखा है, आई गेस इट, हाँ वो भी विदाउट एनी क्लोथ्स। भाई ये क्या प्रोडक्टिविटी है भाई, और आगे वो लगा हुआ है एंटीडोट, देख रहे हो भाई, शिट भाई यार, ये EP के पहले गाने में कोई लड़की नहीं है, लड़का है भाई, भाई देखो ना भाई, आई डोंट नो भाई, भाई कोई भी हो बता देना नीचे भाई, ये क्या सिस्टम है भाई, भाई बताओ भाई कितना लंबा इंट्रो, अच्छा 16 सेकंड हो गया कोडी स्टार खासी की, मैं भी प्रोडक्टिविटी देख रहा हूँ धुआं कमरे में माइक पे गला करे ऊपर बदन का दफ्त ना ठंड ना पानी लेटा मैं बिस्तर में किस करने आती बिना मुंह धोए मैं लिखूंगा फैक फुक ट्रैक तू फे बड़े फाड़ के धुआं ही धुआं कमरे में माइक पे गला करे ऊपर बदन का दफ्त ना ठंड ना पानी लेटा मैं बिस्तर में किस करने आती बिना मुंह धोए मैं लिखूंगा फैक फुक ट्रैक तू फे बड़े फाड़ के मुझे पता मेरे टैक्टिक्स चाहे बूथ हो या स्टेज मुझे चाहिए नहीं प्रैक्टिस मुझे तू कॉट टैक्टिक्स ऐसे जबड़े में देखे मैं बिगाड़ू तेरे गैस्ट्रिक्स ऐसे जो नोबडी कैन फिक्स गंदे चमे डालू छक्के लेके मारू डबल हैट्रिक्स लौड़े से मेरी तेरी सब हैट ट्रिक्स हट गंडे वे यहां पे चली ना तेरी कोई बैक ट्रिक्स हट गंडे वे लेट्स गो भाई लेके मारू डबल हैट ट्रिक्स लौड़े से मेरी तेरी सब हैट ट्रिक्स हट गंडे वे यहां पे चली ना तेरी कोई बैक ट्रिक्स फ्लो जो मारू एंट के जाए गैंट के पैंट के छेद करे तेरी फटी गैंट के हजो हाथ टूटे मेरा तो फिर लौंडे हैंडी के दारू ना दिखे कि तुझे कभी मेरी पैंट्री में बिल फटे गाने सुनू सारा लैंड के बीफ करने आया लौंडा देखो सैंटी है गाने फटी रैपर रोकी मुझे बोले एंटी है पता नहीं था इन्हें पहले मेरा कितना पैंट है पहले बेटा फोन से निकल कर बाप से बातचीत होना शेयर करे गाने मेरे खौफ ना खाऊं सीन ये काम बिकाऊं भाई स्विच देखो दोनों आर्टिस्टों में कितना स्मूथ हुआ है कितना स्मूथ है भाई लेट्स गो पहले बेटा फोन से निकल एंटी है गाने फटी रैपर रोकी मुझे बोले एंटी है पता नहीं था इन्हें पहले मेरा कितना पैंट है पहले बेटा फोन से निकल कर बाप से बातचीत होना शेयर करे गाने मेरे खौफ ना खाऊं सीन ये काम बिकाऊं नहीं मैं हाँ मिलाऊं नहीं बेटे घुस के फटते देते अगला राउंड नहीं लगू वरना बॉय मांग रहे लोकेशन मेरी हर पल बॉय नोएडा में इसका मैं नेबर बॉय भाई SOS मेरे को ऐसे लगते हैं हमेशा ना वॉर क्राई के लिए रेडी रहते हैं भाई
अभी ये भी आई थिंक किसी के ऊपर बोला गया है, मतलब किसी के ऊपर तो शॉट्स वगैरह ऑफ कोर्स लिए गए अपने ओपोनेंट्स के ऊपर, लेकिन भाई मैं इसको कभी मतलब ऐसे अज्यूम नहीं कर सकता कि वो कोई मेलेडी ट्रैक बना रहा है फिर उनका कोई लोफाई जोन में गाना आ रहा है। भाई ऐसे लगते हैं बंदे हमेशा वॉर क्राय के लिए रेडी है भाई, फटेंगे ये, आओ भिड़लो कर ले सिंगल सिंगल। भाई आर्टिस्ट तो क्रेजी है, जिससे जो बीफ हो उससे हमें क्या, ठीक है भाई चल रही है मजा आ रहा है, क्योंकि एमिवे को भी सुनते हैं हम और हम कृष्णा को भी सुनते हैं, तो भाई हम तो लिसनर्स है, लेट्स गो भाई। बातें बस चौदह ये घर पर सोए बैठे तो निकल रहे, जो मैं बदलता हर शाम को बोनर के बात को समझना बात को, अबे तू बेटा है बैठा रे बाप को बोला नहीं पड़ता कौन बाप लोग, मैं चलता अकेले वर्तूले के चेले में ठेले में भर के इस केले को फेंका हूँ दूर, मैं कमाता उड़ाता खोल के दिल को करता नहीं नाप तोल। ऊपर बदन का दर्द ना ठंडा ना पानी, लेट मैं बिस्तर में किस करने आती बिना मुंह धोए, मैं लिखूंगा फैक फुक ट्रैक तू फेफड़े फाड़ के दुआ ही दुआ कम। भाई राइम स्कीम देखो भाई कोरस की एक बार ना नोटिस करो भाई, भाई आपको दोबारा इंट्रो दूं क्या, तो बटा सर भाई मतलब म्यूजिशियन या कोई आंडू पांडू नहीं ले उठाया कि किसी को भी हिप हॉप सुनने बैठा दिया, ठीक है भाई है अच्छे खासी नॉलेज है, सुनना भाई। ऊपर बदन का दर्द ना ठंडा ना पानी पानी, लेट मैं बिस्तर में किस करने आती बिना मुंह धोए, मैं लिखूंगा फैक फुक ट्रैक तू फेफड़े फाड़ के दुआ ही दुआ कमरे में माइक पे गला करे। मतलब एबीसी की राइम स्कीम और तीन लाइन का कोरस है, पानी मुंह धोए आगे कुछ समथिंग है ना, और उसके आगे फिर वो चोको फेफड़े फाड़ के दुआ ही दुआ कमरे में माइक पे गला करे, ऊपर बदन का दब देना ठंडा ना पानी, लेटा मैं बिस्तर में किस करने आती बिना मुंह धोए, मैं लिखूंगा वैक फुक ट्रैक तू फेफड़े फाड़ के लिखो रोज खाली पेट पहले तू मैं गाली एक इंडस्ट्री या काली खेत, मैं ना बोलू ताली फेक भोसड़ी के बारी हेट में मौसीकी में बना सिर तू मौसीकी में बना मेड, मौसीकी से सूखी रेत में चढ़ा दू हरा पेट गम में सब गायब मेड, खुशियों के मौके पे बोले मुझे ये पार्टी फेक में लौटा दूंगा आके जो मुझे बोलेगा गाड़ी दे किसी के काम मत आना माना मैंने पापी में मेरे बारे लाए वाके बके मुझे मेरे बच्चे पीछे पोक पी अब करे खोल दिए सर तो अब दोस्ती करे मेरी कॉल आते देखे करे सब चौप बंदे ये दो चार चने इनका हुक मेरा करे ये चाल चले मेरा बाल भी न हिले भेदभाव मिलेगा नहीं मुझे मेरा पिले इनके बंदियों के नीचे के औजार करूं गिले इनके बंदियों के नीचे के औजार करूं गिले आता पकड़ भी नहीं बोली मुझे रैप कर तू धीरे मैं तो बंदा इतना सिक मुझे दोस्त बोले वीरे मेरे गले में जो चेन लैब ड्रोन नहीं है। भाई गाना मॉशपिट के लिए रेडी है भाई, अगर ये परफॉर्म होता है ये वाला गाना भाई फटेगी जिंदा, मतलब बंदे फ्लो वगैरह सुन के और जो एनर्जी है भाई नहीं बोली मुझे रैप कर तू धीरे मैं तो बंदा इतना सिक मुझे दोस्त बोले वीरे मेरे गले में जो चेन लैब ड्रोन नहीं है ये रे सारे डॉन सारे जीते मेरे सर्कल के लड़के हैं परबल भी पीते और हर बल भी हर पलोट चटका नहीं उतरेगा इनसे कोई बर्गर हर लाल तो बगेगा रबर भी घर पर वापस सुनेंगे इनके बंदियों के नीचे के औजार करूं गिले आता पकड़ भी नहीं बोली मुझे रैप कर तू धीरे मैं तो बंदा इतना सिक मुझे दोस्त बोले वीरे मेरे गले में जो चेन लैब ड्रोन नहीं है ये रे सारे डॉन सारे जीते मेरे सर्कल के लड़के हैं परबल भी पीते और हर बल भी हर पलोट चटका नहीं उतरेगा इनसे कोई बर्गर हर लाल तो बगेगा रबर भी घर पर पानी पिलाओ भाई को दुआ ही दुआ कमरे में माइक पे गला करे ऊपर बदन का दब देना ठंडा ना पानी लेटा मैं बिस्तर में किस करने आती बिना मुंह धोए भाई रैम में स्कीम यार ट्रैक फुक ट्रैक तू फेफड़े फाड़ के भाई वाइफ तो है वाइफ वैसे लिरिक्स वगैरह भाई अवेलेबल करवा रखे बंदों ने फुल पावर है ना भाई बंदे ने कमेंट करा इंडियंस आर नॉट रेडी फॉर दिस हम है मतलब रेडी है देखो सच बोलूं रेडी है लेकिन SOS अभी काइंड ऑफ अंडररेटेड सिस्टम है हाँ, वो तो ऑब्वियस ठीक है और थोड़ा बहुत जो एक्सपोजर मिला वो थोड़ी बीफ के बाद मिला देखो नो हेट टू एनीवन लेकिन जो फैक्ट्स है वो है लिटरल शिट ठीक है लेकिन SOS को भाई आपको याद है भाई जब हम दिल्ली का सबसे बड़ा अपना अंडरग्राउंड का हिप हॉप शो करवाते जब हमने अवार्ड सेरेमनी रखी थी बेसिकली तब वहाँ पे हमने फेवरेट डुओ की कैटेगरी डाली थी और वहाँ पे हमारा SOS भी ऐड था ऑप्शन में कि आपको अगर SOS पसंद है तो लेट्स गो ठीक है तो काफ़ी सारी एंट्रीज भी आई थी अगर आपको नहीं पता तो हम तब से सुन रहे हैं सो भाई अपने सेकेंड ट्रैक का नाम है वल्ला ठीक है और अगेन SOS X30 की वल्ला ही वल्ला सब सुबह डिवाइन भाई लेट्स गो डिवाइन भाई ओजी अब इसमें देखते हैं भाई अब इसमें कौन सी फोटो लगा रखी है सो भाई अपनी EP का सेकंड ट्रैक का रिएक्शन वीडियो स्टार्ट कर देते हैं राइट नाउ
भाई फोटो देखनी है मुझे, रुक जाओ भाई। वही है, वही है, हाँ वही है, बस वो लोगो चेंज कर दिया मुझे ऊपर लगा हुआ है। पैसे हैं हाथ में, कुछ तो डिफरेंट है, नहीं पैसे नहीं है, समथिंग लाइक ये बीच में इंसान है और ये स्काई वगैरह, उसके ऊपर पैसे हैं देखो हाथ में। इफ आई, नहीं पैसे तो नहीं है, ऐसे लाइक फीस्ट बनी हुई है। बट भाई पीछे है क्या, दोनों में से तो एक नहीं है, यहाँ पे भी शाइन कर रही है देखो भाई, या तो समथिंग काइंड ऑफ ऑपरेशन चल रहा है, या कह सकते कि भाई वो बैड है यार, घर वाला बैड है, वो उसके पीछे सिराना है भाई। आई डोंट नो भाई, हम इस चीज को इग्नोर करते हैं भाई। सच का देना कोई साथ, सच को देना कोई हाथ, सच तो रहेगा राज, सच चेरू का गुबार, सच ना होता बर्दाश्त, वल्लाह ना इनमें ईमान ये अना में दबे सब, वल्लाह भाई कितना भारी वोकल टोन है ना भाई, लेट्स गो, ना होता बर्दाश्त, वल्लाह ना इनमें ईमान ये अना में दबे सब, वल्लाह है चेहरे हजार ये बदले क्यों कैसे कब, वल्लाह आने से पहले हमारे ये बजे कब, वल्लाह अब बोली सच बात तो दांतों से काटे लब, वल्लाह ना इनमें ईमान ये अना में दबे सब, वल्लाह है चेहरे हजार ये बदले क्यों कैसे कब, वल्लाह आने से पहले हमारे ये बजे कब, वल्लाह अब बोली सच बात तो दांतों से काटे लब। हाथ से जो निकले दुनिया गरीब, दिल से जो निकले दुनिया वली, मैं शर था जिसके दिल के करीब, दुनिया से निकले बन के अमीर, मैं खुद को जो समझ बैठा कबीर, भूल चुका दुनिया कितनी सगीर, वो तो अजहर खुद को जो समझ बैठा कबीर, दुनिया को भूल गया भाई। जो निकले दुनिया गरीब, दिल से जो निकले सच बात तो था तुझे काटे लब, हाथ से जो निकले दुनिया गरीब, दिल से जो निकले दुनिया वली, मैं शर था जिसके दिल के करीब, दुनिया से निकले बन के अमीर, मैं खुद को जो समझ बैठा कबीर, भूल चुका दुनिया कितनी सगीर, वो तो अजहर दो आलम गनी, इकबाल भी जो बनू मैं बरमन फकीर, मैं कैसे लिखू ये सब इंसान गलीज, मैं हर लिखता बहुत भाई, कुछ ज्यादा उर्दू वर्ड्स यूज करे कि, और वो उर्दू वर्ड्स मेरे भी समझ में नहीं आए, मतलब तलन झुमके तो भाई समझ आते हैं भाई, लेकिन इन्होंने मतलब प्रॉपर पेल रखे भाई, नाम ही वो कर रखे है, ईपी का नाम है भाई तरियाक, उसको मेरे को गूगल करना पड़ा इसका मतलब क्या होता है, फिर गानों के नाम ऐसे, लेट्स गो भाई। पत्तरीन में नाकचिदी लगता तुमको खंजी, आ हां पहनता महंगी कमीज, मैं नहीं मिलता तुमसे तमीज से, खुद नुमा लड़का रजीम, मैं अनार के बिके मजीद तो गमंडी एक मेरा अजीज है, खुदा बने फिरे या 7-8 क्यों, इनके हाथ खाली उठते हैं ताक रात को क्यों, इनकी महफिलों के मौजू हम बात बात पे क्यों, गाने लिखूं जागू मैं रात रात को क्यों, उदास देखूं मेरे में माँ बाप को क्यों, बयान करूं मेरे में हालात को क्यों, मेरी शायरी को फेंकोगे तालाब में तुम, जब हराम में मौसीकी और नासाज है धुन। भाई बहुत भारी लाइन है, बट भाई बीट में हम क्या ग्रूव कर रहे भाई, कितने ईज प्यारी है भाई, कितने ईज के साथ 30 की को अनदर टाइम भाई, मेरे में हालात को क्यों, मेरी शायरी को फेंकोगे तालाब में तुम, जब हराम में मौसीकी और नासाज है धुन। बच्चे ये जाहिल है क्यों करूं बहस, लिखने पे गाली बरस, भाई यार भाई भाई गलत भाई, हम बीट ड्रॉप का वेट कर रहे थे बेसिकली भाई, गलत ही है मतलब भाई, सच में गलत है भाई, एकदम से म्यूजिक शिफ्ट ही हो रहा पूरा पूरा। हम वो वाला हो गया गरम करके ठंडा, बच्चे ये जाहिल है क्यों करूं बहस, लिखने पे गाली पर असल में फैश, गानों में सब दिखावा मुनाफिक के दूंगा नहीं, अब इन्हें रहने में रहस्य मिलने पे शहद के पीछे बगावत की बते करते हैं खूब, शोहरत की प्यास से इनमें बुझाते जो पी के शहीदों का खून, जीनू सुकून अब इनके जो खोलू मैं राज, मैं कैसे करूंगा बर्दाश्त, एक हाथ में लेके शराब बेकात से दे इनकलाब, तनाजा करे इस्तेमाल है पैसा इनका भगवान, ये वल्लाह ही सारे बकवास, उतारे हर वर्ष लिबास, लाइनों का तर्जुमा करके चौदह अंग्रेजों के पास, अफसोस से तो पूरा जोर देते खींचने को नीचे, पर इनकी बात पे नहीं करा कोई, बस रो सलादीन भाई। यहाँ पे बंदा कितना चिल था, फिर से अरे तुम्हारे भी आने की जरूरत साड़ो, चौदह अंग्रेजों के पास, अफसोस से तो पूरा जोर देते खींचने को नीचे, पर इनकी बात पे नहीं करा कोई, बस रो सलादीन किए देंगे गुनहगार, पड़े पांच में से एक भी ना सला कोई, मत बोल मुझे भाई भाई मुनाफे में तेरे, यहाँ बिना वाली बहन की नहीं सका कोई, मैंने बोला था ना बेटे तू बेटा, मैं तेरा वाले नीचे बैठ, तेरे बाप से नहीं बड़ा कोई, नाम का मतलब ही जरिया है, तू फैल एक वसी नजरिया है, हर गाने में पहने ये ताज, में लाता सैलाब डूबे 14 के दरिया में, शहर यार तेरा गिर रहा किला, शहर यार सारे इन्ना लिल्ला, तेरी कश्ती टूटी तेरी बस्ती डूबी, साथ ऊपर वाला खाली बचा मेरा जिल्ला, मैं हारू भी हंस के उठू, हम होते ना यहाँ पे मायूस दाऊद, तू चला सोने की तलवार, एक लुक में मैं हजम करूँ, हंस के उठू ला, तेरी कश्ती टूटी तेरी बस्ती डूबी, साथ ऊपर वाला खाली बचा मेरा जिल्ला, मैं हारू भी हंस के उठू, हम होते ना यहाँ पे मायूस दाऊद, तू चला सोने की तलवार, एक लुक में मैं हजम करूँ, वारून मैं खड़ा लोहे की दीवार, ये रैप सब छोटे याजूज माजूज, दरवेश इस कलम से बना मैं पहले, और रैप के मैं फिर ठहरा मामूद।
भाई क्या क्या इंस्ट्रूमेंट डाले हुए इस बीट पे, इस बीट पे रोज कितना ज्यादा सेक्सी साउंड कर भाई वो मस्ती डूबी सात ऊपर वाला खाली बचा मेरा जिल्ला मैं हारू भी हंस के उठू हम होते ना यहाँ पे मायूस दाऊद तू चला सोने की तलवार एक लुक में मैं हजम का रून वारून मैं खड़ा लोहे की दीवार ये रैपर सब छोटे याजूज माजूज दरवेश इस कलम से बना मैं पहले और रैप के मैं फिर ठहरा मामूल सूथिंग भाई सूथिंग और पैन भी कितना प्यारा कर रखा है ज्यादा भी नहीं है हल्का हल्का पैन करा हुआ है भाई भाई देखो किसी को अच्छा लगे बुरा लगे अगर SOSO 30 की का आगे डुओ में देखने को नहीं मिला वैसे तो SOS खुद में ही एक डुओ है लेकिन इनका डुओ अलग चल रहा है ठीक है अगर 30 की भगवान ना करे ऐसा हो भाई ठीक है अगर अलग होता फिर शायद SOS की प्रोडक्टिविटी मेरे को लग रहा है कम हो सकते है लेकिन भाई, भाई बीट बहुत जरूरी होती है लाइक भाई सीन पता क्या जैसे जेट्रिक्स और सबस्पेस का डुओ है अब हम अज्यूम नहीं कर सकते कि सबस्पेस की किसी और बीट पे जेट्रिक्स अपना सोलो गाना ड्राइव कर सकता है इतने ईज के साथ दिक्कत हो जाती है और क्योंकि इन दोनों की मतलब वो बॉन्डिंग बन गई है फिर प्रोडक्टिविटी दोनों ने एक दूसरे की समझ ली होगी कि इन्हें किस हिसाब का टेस्ट चाहिए या वो वाला सीनारियो बट भाई क्रेजी 30 की भाई शाउट आउट टू यू भाई लेट्स गो हर गाने में देना पड़ेगा भाई भाई कोलैबोरेशन ईपी है बेसिकली तभी एक्स लगा भाई तो भाई अपनी ईपी का थर्ड गाना है जिस गाने का नाम है अफसुरदा एंड जेन्युइनली मेरे को इन वर्ड्स के मतलब नहीं पता भाई मेरे को थोड़े बहुत पता है हम गूगल कर लेते हैं अफसुरदा मीनिंग लेट्स गो ओह डिप्रेस्ड डिटेक्टेड मतलब वही डरा हुआ उदास काइंड ऑफ डिप्रेशन एनजाइटी ठीक है ओके भाई तो इसमें क्या कुछ हमें मेलो देखने को मिलेगा भाई हाँ भाई छोटे बार्स है भाई लिरिक्स ही बहुत कम है भाई कुछ मतलब मेलो है और गाना 4 मिनट का लिरिक्स देखो कितनी सी है भाई लेट्स गो भाई सुनते हैं ठीक है भाई तीसरा गाना स्टार्ट करते हैं राइट नाउ डोंट से इसमें भी वो फोटो है ओह है लेकिन ज्यादा हाइड कर दी नहीं कुछ और ही भाई ये देखो ना रिफ्लेक्शन ऊपर भाई देखो कुछ तो मैसेज कॉन्वे कर रहे हैं क्योंकि हर किसी गाने पे जो पिक्चर है वो भी अलग है ठीक है और उसके ऊपर के पीछे का जो भी मैसेज है कुछ तो कॉन्वे कर रहे हैं जो कि हम समझ नहीं पा रहे हैं बाकी भाई डिस्क्रिप्शन वगैरह नहीं पढ़ लेना चाहिए सो ये तो गाने का है ओ मिलन चोली इज द डेफिनेशन ऑफ लव ऑफ लव एंड अफेक्शन द लिरिक्स कॉन्वे आर डीप ठीक है भाई मतलब ईपी का तो वो नहीं दे रखा होगा कोई नहीं भाई अपन गाने सुनते हैं क्यों ना जाने अभी इस बंदे ने बोला था कि मेलो पे नहीं मिलेंगे अभी बोला है इसने अब इसी बात पे सब्सक्राइब करोगे कि नहीं भाई लेट्स गो सब्सक्राइब करना चाहिए गाली नहीं देनी थी येलो डॉलर पर मैं तो दिल्ली से हूं ना ये तो क्यों ना जाने मैं शायद पहली बार सुन रहा हूं SOS का मेलोडी या फिर वाइब वाला ट्रैक ऐसे करो ना किनारे हमें अपना बना ले क्या okay. तेरे बिन मेरी महफिल मेरा कोई ना यहाँ पे जो तू ना हो शामिल अफसुरदा इशा में हाँ ये तू क्यों ना जाने तेरे हम है दीवाने ऐसे करो ना किनारे हमें अपना बना ले क्या तेरे बिन मेरी महफिल मेरा कोई ना यहाँ पे तुझको पाके कहीं खो गया था फिर मिल सका ना मैं खुद को वैसे फिर और तेरा होना भाई लाइन से हमें बहुत ज्यादा रिलेट करेंगी वी आर ऑन अ सेम बोट ब्रो कहीं खो गया था फिर मिल सका ना मैं खुद को वैसे फिर और तेरा होना करनी वो बातें मैं जिंदा होता था तुझसे मिलके मैं तुझको पाके कहीं खो गया था फिर मिल सक गिटार सुन रहे भाई जो पीछे बज रहा है भाई मैं सब सुन रहा हूँ चलने दो
रिलेट भी कर रहा हूँ, चलने दो। Don't tell me कि इसमें भी बीट स्विच डाल दी है भाई। बीट स्विच नहीं भाई, पूरा म्यूजिक ही स्विच हो रहा है। देखो, देखो 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 कुछ बचाना चेंज। वो दो गाने जोड़ के नहीं बना देते हैं, बट ऐसा नहीं होगा, वो तो हर गाने में ही हो रहा है ना ये। चले दिल पे ना जोर में ना कहीं कर रहा, गुमान था जो मेरा मुझे दे रही सजा। आवाज में ना दर्द कैसे करूं मैं दुआ, दवा खाली दवा बस या ही दो पिला। बिगाड़ दो ये अक्स दो ना सूरतें बना, मैं शायरी से बना मुझसे बन भाई। बिगाड़ दो ये अक्स दो ना सूरतें बना, मैं शायरी से बना मुझसे बनी ये कला। हर शब्द उसके नाम में हर सुबह को फना, मफहूम बातों का ना चश्मे यार से हुआ। चले दिल पे ना जोर मैं ना कहीं का रहा, गुमान था जो मेरा मुझे दे रही सजा। मैं ना दर्द कैसे करूं मैं दुआ। भाई इतने म्यूजिक स्विचेस भाई, इतने तो किसी लड़की भाई इतने तो किसी लड़की के मूड स्विंग्स नहीं होते होंगे भाई, जितने गाने के अंदर म्यूजिक स्विच हो रहा है भाई। भाई लेट्स गो, भाई लेट्स गो। था जो मेरा मुझे दे रही सजा, आवाज में ना दर्द कैसे करूं मैं दुआ। दवा खाली दवा बस यही तो पिला, बिगाड़ दो ये अक्स दो ना सूरतें बना, मैं शायरी से बना मुझसे बनी ये कला। हर शब्द उसके नाम में हर सुबह को फना, मफहूम बातों का ना चश्मे यार से हुआ। ये तू क्यों ना जाने, तेरे हम हैं दीवाने। भाई काफी किंग वाइब नहीं आ रही हुक सुन रहे तो, मतलब किंग को कॉपी या कुछ रेफरेंस नहीं लिया होगा। एक vibe बात बोल रहे हम, वाइब वाइब थोड़ी किंग वाइब हुक में वो भी vibe। बस आए तू क्यों ना जाने, तेरे हम हैं दीवाने, ऐसे करो ना किनारे, हमें अपना बना ले क्या। तेरे बिन मेरी महफिल, मेरा कोई ना यहाँ पे, जो तू ना हो शामिल अफसरदा इशा में। भाई बहुत प्यारा गाना है, बहुत प्यारा गाना भाई। भाई ये 4 मिनट का गाना है, और वैसे यूजुअली हम 4 मिनट में बोर हो जाते हैं, बट द पॉइंट इज इस गाने में कोई वैसा नहीं था कि एक सेम टोनैलिटी चल रही हो या फिर वो हो, म्यूजिक स्विच हो रहा है, फ्लोस अलग अलग हो रहे हैं, वाइब अलग अलग कैच हो रही है, तो वो एकदम अलग। भाई अगले गाने का नाम है बैंगर, जो कि एपी का 4th ट्रैक बैंगर, और इस गाने पे 2nd मोस्ट व्यूड सॉन्ग है ये। पहला था कॉडी स्टार। भाई अभी तक तो मानने की बात है, देखो मुझे तो कॉडी स्टार और ये अच्छा लगा लास्ट वाला। भाई मेरे को एपी दोबारा सुननी पड़ेगी, मैं तब गेस कर पाऊंगा। ठीक है, तो अपने 4th गाने का भी रिएक्शन, एक सेकंड इसका। ठीक है, सबका प्रोडक्शन 30K ने किया है, सबका मिक्स मास्टर आरिफ मीर ने किया है, सो लेट्स गो। गाड़ी आ गई भाई, बने बैंगर पे बैंगर, हम लोंडे जब भी बैंग पकड़े इनके बिस्किट। भाई अगर कोई हिप हॉप एसओएस का डाई हार्डकोर फैन है, अगर कोई डाई हार्डकोर फैन है,
ये मेरे को पोस्टर, ये जो पीछे जो फोटो है ये जाननी है हमें, तो जाननी है भाई। ठीक है भाई, कमेंट में डालो, कहीं भी डालो, कलम के इंस्टाग्राम पे मैसेज करो। नहीं भाई, कमेंट में ही बताओ ताकि सब भी जान पाए ना, जो जिन जिनके अंदर क्यूरियोसिटी उठ रही हो। नहीं भेज सकते ना है, अगर असली फोटो हुई किसी के पास भाई, फोटो तो भाई किसी के पास अवेलेबल भी नहीं होगी ना SOS के अलावा, क्या पता। अरे SOS नहीं भाई, बता देना बस क्या चीज है, ठीक है। हमें कुछ नहीं देखना, बस बता देना कि क्या चीज है और क्या रिलेट करवाना चाहते हैं। सो लेट्स गो, गाने को दोबारा से स्टार्ट करते हैं। बने बैंगर पे बैंगर, हम लोंडे जब भी बैंग पकड़े, इनके बस की ना ये भिड़े, ऐसे पड़वों को हम बैंग करते। ओके कले कले आते नहीं ये, रखते नहीं ये अपनी गैंग घर पे, कोट कौन सारे जाने जाना, तू तो मेरा फैन बकरे, मैं उसका पसंदीदा, मेरा मतलब तेरी बैंग लड़के। क्या 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 क्या, कोट कौन सारे जाने जाना, तू तो मेरा फैन बकरे, मैं उसका पसंदीदा, मेरा मतलब तेरी बैंग लड़के। एक सेकंड भाई, इसने पहला वर्ड बोला, मुझे लगा इक्का कहां से आ गया। इक्का पाजी, you know what time it is, इक्का प्रा। बकचोदी मत करो यार, let's go, चल उड़े मैं सीधा। चला आइए अपन गाना सुन रहा है, इक्का बाजी भाई। फैन बकरे बने बैंगर पे बैंगर, हम लोंडे जब भी बैंग पकड़े, मैं तेरा स्लैंग लड़के, मैं गॉड्स प्लान लड़के, अब बीट जाते रहा पर जब हम रैप करते, okay. हम पे असला नहीं है, ये तेरा है वैम लड़के, केरोसीन मोलोटोर रखे कैन भर के, ये लौंडे कैप करते, हम पे ये हम पे वो नकली ब्रैक करते, SOS कोने लोग बैठे मैप पर देख, जो पोने दो आधी रात भी मैं ड्रैग करते, डोनट मारे लाल चौक में भाई, जब पौने दो की रात को ड्रैग करते और पीछे एग्जॉस्ट के साथ भाई, लेट्स गो। मैप पर देख, जो पौने दो आधी रात बीमर ड्रैग करते, डोनट मारे लाल चौक में, बीमर ड्रैग करते, ये बोला ना भाई, लेट्स गो लेट्स गो, डोनट मारे लाल चौक पे। रफ्तार भाई ने भी किसी गाने पे एक बार यूज किया ना, डोनट लगेगा गाड़ी में, है ना, लेट्स गो। तो हिलता फिर घंटाघर पर रात, तंगलियों से होते हैं जैसे कोई चमगादड़, गाड़ी की डिक्की से कुछ भी निकला फिर तो फटता सर, फटता पर फिर चाहे शक्तिमान हो या गंगाधर, मेरा मन करे करो भाई, गॉट इट। हां भाई, चूतो के दोनों, जिसको समझ आ गया समझ आ गया, लेट्स गो भाई। फिर घंटाघर पर रात, तंगलियों से होते हैं जैसे कोई चमगादड़, गाड़ी की डिक्की से कुछ भी निकला फिर तो फटता सर, फटता पर फिर चाहे शक्तिमान हो या गंगाधर, मेरा मन करे करूं इनका धंधा बंद, मेरा मन मुझे लगे इनकी जनता जन, अनंतनाग श्रीनगर या फिर गांधरबल, पूरे कश्मीर में सोचे बिना जाता गंदा बन, पांच पेटी का जूता फसा मेरा कस्टम में, कोई नहीं पैरों में दस का, ज्यादा नहीं करेगा फ्लेक्स तो लोंडे सुन पाटा तू पेटी तो घर का, बातें नहीं होती है हारा कौन जीता कौन मारा कौन बेटा कौन, बातें बस होती है झूठ का लिया सहारा कौन, तेरे और मेरे में यही तो फर्क था, बता गया मसला, आंखों से देखने का भी तू असला, लोंडे सॉफ्टी हाथों में खून नहीं असल में रसना, नहीं खामोशी मातम लगे मेरे आगे ना हंसना, तेरी कसौटी चला दू लोंडे पे तेरा ये नक्शा, यार मेरे साथ फिगर कमाते, मार खोर सारे नजर ना आते। भाई क्या हो रहा है ये, what the fuck भाई, प्रोडक्टिविटी ऑन नेक्स्ट लेवल भाई। मतलब अनएक्सपेक्टेड गाने चल रहे हैं, मैं कभी नहीं पता कि कौन सा ड्रॉप देखने को मिलेगा, कब कौन आके फ्लो स्पीड करेगा, कुछ नहीं पता भाई। भाई माँ की गाली नहीं भाई, येलो डॉलर भाई, येलो डॉलर का कॉपीराइट तो वैसे भी आना है, कोई नहीं भाई, QR कोड लगा देते। हाँ भाई, भाई पे करोगे गरीब घर से, अरे भाई यार हम रिएक्शन कर रहे हैं, यार मेरे साथ फिगर कमाते, मार खोर सारे नजर ना आते, काले कुर्ते में इत्र लगा के, धुएं में हर फिगर उड़ाते, यार मेरे साथ फिगर कमाते, मार खोर सारे नजर ना आते, काले कुर्ते में इत्र लगा के, धुएं में हर फिगर उड़ाते, मर्जी गाने में दो गाली फक सोसाइटी, मेरा नाम सुन के होती इन्हें एंजाइटी। कितने ईज के साथ कर रहा है, गाने में दो गाली फक सोसाइटी, मर्जी गाने में दो इतर लगा के, धुएं में हर फिगर उड़ाते,
मर्जी गाने में दू गाली फक सोसाइटी, मेरा नाम सुन के होती इन्हें एंजाइटी, इनको बनना है तो फैल इनसे होता ही नहीं, चल वापस लोड़े पे मेरे पश्तू ने बहुत हाई थी। कौन डैडी मैं या फिर रातंगी, बहुत ठंडी है बीच और ये मौसम भी, तू संगी ले पी मेरा मौसम भी, बहुत महंगी मेरी ब्रुनेलो क्यूचिनली, बताना कौन है डॉन, ऑप से ऑक्स तो बना मैं एरागॉन, मेरे से दौड़ लगाना भाई बेवकूफी, तू नहीं जीतेगा मैराथन, हर बार क्या दो बार के दो है कसाई, और पता नहीं मेरा कौन गहरा कौन, चेहरे का चेहरा और चेहरे में चेहरे तो पता नहीं असली है चेहरा कौन, तेरा बैठे तो मुझसे जान गवाएगा बढ़ेगा मुझसे, अगर तू दिल से नरम है तुझे भाई, इतने फास्ट चोपर में बंदे ने फ्लो स्विच मार दिया। हां वही तो, मैं चेहरे तो कुफी तू नहीं जीतेगा मैराथन, हर बार क्या दो बार के दो है कसाई, और पता नहीं मेरा कौन गहरा कौन, चेहरे का चेहरा और चेहरे में चेहरे तो पता नहीं असली है चेहरा कौन, तेरा बैठे तो मुझसे जान गवाएगा बढ़ेगा मुझसे, अगर तू दिल से नरम है तुझे भर में जीतेगा मुझसे, यहाँ जब उठता कलम है करते कलम जो रहना चुके, सही ना अपने कर्म में सपने धर्म में, ये किए खुद पे नुक्ते, सुन ले या लड़के जॉन को पढ़ते या बनते जॉन सीना, निशान चुके सर की जगह गया ठोक सीना, लड़के चुपके सुनते वर्से मेरी सारी गौर से, और समझाना कोई बात कर तो बेटे बता दोहरा है क्या, अबे सो रहा है क्या, फटे बम चले हम खाते खोल दे क्या, बचे कम मचे शोर जब हम बोलते क्या, तेरा हलक मेरे हाथ बोल मोड़ दे क्या छोड़ दे क्या, हम सीन शेप करना मदर चोद, वीडियो में कब्रे ना खोदे पहने हम काला क्या मुंह भाई, भाई कृष्णा को शॉट्स, अब देखो हो सकता है हो नहीं सकता, कृष्णा के ऊपर शॉट्स हैं जो उसने मुंह फाड़ के ऊपर गाना बनाया, माँ कसम ट्रैक था उस गाने का नाम, काला कोट पहन के जो कवर खोदी थी भाई, कृष्णा के ऊपर शॉट्स, बट व्हाई भाई, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, मतलब पिछले गानों में भी कृष्णा के ऊपर शॉट्स लिए गए होंगे कहीं ना कहीं, और वो गंगाधर शक्तिमान का तो वो सीधा सीधा शॉट है, अगर इफ यू नो गंगाधरी शक्तिमान है भाई, बता दो किसको लिया है भाई, सीधे मौत को दिए हैं वो तो ऑब्वियसली बात है भाई, अगर गाना सुना है तुमने तो तुमको पता है भाई, बट कृष्णा यार, कृष्णा कहाँ से आ गया बीच में, दोबारा सुनता दोबारा सुनता भी लाइक मैं कैसे फंस जाता हूँ, मुझे क्यों तोड़ा मुझे क्यों तोड़ा भाई, मौसमी से मेरे को याद आई लाइन, कौन सी, जूस पिला दो अब यार भाई, एक बार सुनते हैं, हम सीन शेप करना मदर चोद, वीडियो में कबरे ना खोदे पहने हम काला कोट, ये मुंह ना मिलाते इनको पता इनके फादर को, ये पेड़ पर था कलम में हंस बोलते हैं कागज खोर, कलम को कलमकार से टारगेट तो भाई, अब दोबारा कलम कलम ना बहुत बार आ चुका है, इसलिए मैं पीछे कर रहा हूं, या लड़के जॉन को पढ़ते या बनते जॉन सीना, निशान चुके सर की जगह गया ठोक सीना, लड़के चुपके सुनते वर्से मेरी सारी गौर से, और समझाना कोई बात कर तू बेटे बता दोहरा है क्या, अबे सो रहा है क्या, फटे बम चले हम खाते खोल दे क्या, बचे कम मचे शोर जब हम बोलते क्या, तेरा हलक मेरे हाथ बोल मोड़ दे क्या छोड़ दे क्या, हम सीन शेप करना मदर चोद, वीडियो में कबरे ना खोदे पहने हम काला कोट, ये मुंह ना मिलाते इनको पता इनके फादर को, ये पेड़ पर था कलम में हंस बोलते हैं कागज खोर, बने बैंगर पे बैंगर हम लोंडे जब भी लव फ्रॉम बीकेपी ब्रो, हाँ काफी ज्यादा प्यार आ रहा है बंटा SOS, कृष्णा को शॉट्स लेना भाई इस ट्रैक में, तो ऑफ कोर्स बंटा की पब्लिक से प्यार मिलेगा भाई, लव फ्रॉम कराची पाकिस्तान भाई, किसी ने भाई, लेकिन कृष्णा के ऊपर शॉट इज टोटली अनएक्सपेक्टेड भाई, ठीक है चार गाने हो गए भाई अपनी ईपी के, हर गाना अलग डिफरेंट वाइब लेकर आ रहा है, और बताना मुश्किल हो रहा है कि भाई कौन सा बेस्ट है, क्योंकि सारे एक से बढ़कर एक ही लग रहे हैं जेन्युइनली, एक ही गाना था सुरदा जो कि थोड़ा अलग वाइब का लगा, और ना जो तीन गाने थे वल्ला का हुक काफ़ी ज़्यादा क्रेजी था, अब नेक्स्ट गाना अपना जो कि पाँचवें ट्रैक है ईपी का, उस गाने का नाम है आवारा, और लेट्स गो भाई चलते हैं, ओ अगेन गाना क्यों लग रहा है, फिरता मैं गिरता सितारा, चाहिए क्या सहारा, तुम्हारा ही तुम्हारा, फिरता मैं गिरता सितारा, चाहिए क्या सहारा, तुम्हारा ही तुम्हारा, yeah. तूने ही संभाला मैं तेरा ही दीवाना,
किताब जाना तेरा दिया दर्द जिनमें संभाला कभी फुर्सत से मिलेंगे फिर हम कभी आओ तो वापस न जाना मुझे मोहब्बत में मिली बेचैनी बस तेरा दीवाना मैं गम मेरे अनगिनत लबों पे खामोशी अंदर धरती तक बिगड़ी हर चीज मेरी मुझे न संभली अब तो मैं फिरता वारा मैं गिरता सितारा काश ये बात वो भी समझ जाती वो ही तो नहीं समझ रही तुम्हें पता है नहीं 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 ये तो नहीं ये तो नहीं भाई आई होप किसी को समझ ना आया हो कुछ प्लीज हाथ जोड़े दे ये क्या या ऐसा साउंड नहीं लग रहा जैसे हम कोई एनीमे वगैरह देखते हैं अरे यार वो नहीं है जैसे वो देखी है अरे जिसमें वो चोरी करते हैं यार इंडियन मूवी है नहीं नहीं बाहर की सीरीज है यार फास्ट एंड फ्यूरियस नहीं तो बताओ अरे अच्छा, सीरीज है वो मनी हाइस्ट मनी हाइस्ट उसमें सेम नहीं है जैसे बेलारूस वगैरह साइड का भाई इसके भी लिरिक्स दिए हैं क्या देखना सबके लिरिक्स है भाई नहीं नहीं ये जो लास्ट में आया नहीं भाई क्या मतलब भाई पब्लिक को समझ नहीं आएगी ईपी ऑलमोस्ट ओवर होने वाली है और ईपी का बचा लास्ट ट्रैक जो कि है मौला और जो कि इसमें एक कोलैबोरेशन है वो है जिशान नबी एक कोलैबोरेशन ट्रैक भी है भाई सिंगल ट्रैक है जिसके अंदर कोलैबोरेशन है ठीक है सो भाई ये गाना भी बीटी देखे जाएगा आई गेस तो ये लास्ट ट्रैक है इसका भी रिएक्शन वीडियो करते हैं राइट नाउ भाई बट म्यूट क्यों है ये और है क्या है भाई है इतना म्यूट क्यों छोड़ना था उनकी मर्जी भाई इट्स हर चॉइस हर नहीं भाई इसमें वही तो फोटो है यार यार कहीं ऐसा तो नहीं हमें कुछ गलत समझ रहे हैं नहीं भाई वो है यार वो बंदा है छोड़ो भाई ये आंख है ना बेचैनी से आती ना नींद शायद मैं दिल का मरीज जो चाहता कभी अब सब कुछ हो पास वो एक उसमें चल रहा था फिर एकदम से ना वो फुल साउंड होती है ना कान भर जाते हैं दिमाग का भोचड़ा हो गया भाई भाई अलग अलग म्यूजिक सुन रहे भाई मतलब हम किसी में फट रहे फिर अगला ट्रैक आता है फिर फट रहे फिर फट रहे अब फिर ऐसे गाना और किसी पे फिर ऐसे भाई लेकिन इस बीट का म्यूजिक सुनो आप एक बार हाँ वही तो मैं बोल रहा हूँ बेचैनी से आती ना नींद शायद मैं दिल का मरीज जो चाहता कभी अब सब कुछ हो पास पर तभी भी आती ना फील वही तो मेरा हकीम मौला ही मेरा अजीम सजदों में करता है मुझसे वो बातें वो रहता है मेरे करीब बेचैनी से आती ना नींद शायद मैं दिल का मरीज जो चाहता कभी अब सब कुछ हो पास पर तभी भी आती ना फील वही तो मेरा हकीम मौला ही मेरा अजीम सजदों में करता है मुझसे वो बातें वो रहता है मेरे करीब वो कहता है तू गुनहगार पर अभी भी वक्त भाई आप समझ रहे हो मैं क्यों रिलेट कर रहा हूँ यू गेट माई पॉइंट अभी हम दोनों एक ही नाव पे सवार हैं एक जैसी नाव पे एक नाव पे नहीं एक जैसी नाव
उससे वो पाते वो रहता है मेरे करीब। वो कहता है तू गुनहगार पर अभी भी वक्त है जाके तू लौट जा। इन नशों में रखा है कुछ नहीं पैसे में सुख नहीं कंधे पे बोझा। बस का लाला पानी तेरी जो तो लिखेगा बंदे अजाब ना उसका। आराम है मौसीकी पर मैं तो बयां करूं मेरे दर्द दिल का। मुझे पता है खुदा तू नाराज है मुझसे क्योंकि मैं काफी समय तुझसे दूर रहा तुझे प्यार। भाई मारू मेरे भाई पच नहीं रहा यार कसम से। एकदम से इन्होंने जब क्या था वक्त बदल दिया जज्बात बदल दिए। भाई ऐसे बीट पे इतने ईज के साथ कैसे ड्राइव पता कर नहीं रहे भाई। और वो बीट में एकदम से भाई इन्होंने और ये बीट बैंगर वाली है। मतलब अगर गाने बनाने बैठोगे सुनो क्या बोलो भाई गाना खत्म करता है भाई और कुछ नहीं है भाई। उसका आराम है मौसीकी पर मैं तो बयां करूं मेरे दर्द दिल का। मुझे पता है खुदा तू नाराज है मुझसे क्योंकि मैं काफी समय तुझसे दूर रहा तुझे प्यार है मुझसे। तौबा कबूल कर मेरा मुझे गुरूर है तेरा ये महज से गाना लिखा तेरे लिए मौला आखिरी बजी एक कासर तुझ पे। मुझे भी मौला दे हिकमत करूं मैं भी तेरी खिद। भाई मुझे समझ नहीं आ रहा मैं गाने के लिरिक्स पे वाइब करूं या गाने की बीट पे वाइब करूं। बीट पे तो ड्राइव कर रहा हूं, कंफ्यूज हो रहा हूं। अलग चल रहा है दोनों। भाई ये होती है क्रिएटिविटी। मतलब जब मैं भी गाने लिखने बैठता हूं ना तो लाइक हमारे एक भाई हैं यू नो तो उन्होंने बोलता भाई जो मैंने आपको वाला ट्रैक सुनाया था अपना लाइक कि मैं एक मौके पे बैठा हूं तो भाई ने बोला था कि भाई बीट सूट नहीं हो रही इस गाने की वाइब के हिसाब से। मैंने बोला वही तो मैटर है करवानी ही नहीं है है ना हमें फील ही नहीं करवाना क्योंकि वो बीट है यू की बढ़िया सी मतलब काइंड ऑफ कुछ है उसमें एफ्रो एलिमेंट वगैरह और वो गाना कितना सैड है। यहाँ पे भी सेम एग्जैक्ट वही हो रहा है भाई कि बीट कुछ अलग बात करना चाह रही है लेकिन बात कुछ और हो रही है। वो बोल रहा है नहीं तो यही बात करेगी हरियाणा मुझे गुरूर है तेरा ये महज से गाना लिखा तेरे लिए मौला आखिरी बजी एक कासर तुझ पे। मुझे भी मौला दे हिकमत करूं मैं भी तेरी खिदमत। मैं भी मिलूं तुझे सफों में मांगू मैं भी तुझे गिर कर काबू शैतान का दिल पर इसे आजाद कर मिलकर। मुझे अफाज और कलम को ताकत दे मौला इस बंदे पर रहम कर। बेचैनी से आती ना नींद शायद मैं दिल का मरीज जो चाहता कभी अब सब कुछ पास पर तभी भी आती ना फील। वही तो मेरा हकीम मौला ही मेरा अजीम सजदों में करता है मुझसे वो बातें वो रहता है मेरे करीब। बेचैनी से आती ना भाई गाना मेरा फेवरेट है ईपी का मेरा फेवरेट है क्योंकि मैं भाई रिलेट कर रहा हूँ और अलग है भाई ये गाना सजदों में कर मतलब सेल्फ ब्लेम चल रहा है भाई यहाँ पे बंदा खुद को कोस रहा है। भाई मैं नहीं कोस रहा अपने आप को आप सुनो। रहता है मुझसे वो बातें वो रहता है मेरे करीब बेचैनी से आती ना नींद। फिर स्विच होगा क्या भाई हो गया बोल रहे नहीं एक तेरा एक पे तो रुकने नहीं देंगे भाई रुको 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 अंधेरा काफी अंधेरा और वक्त था फजर का मैं उठा था करके बिस्मिल्लाह। आया था देने मुझे दावत एक दिन मौत का फरिश्ता मुझसे हंस के कहता पढ़ी किताबों का तो मिसरा आदम जात है तू बंदे मिट्टी में दफन मिटेगा। अब उतार तेरे अंदर खुद को खोजना सीख जानी जुल्फिकार है ये कलम काटे आग से जो पानी निकला कमाने तू पैसा लौटा लेके बेकरारी खुद के सवालों में कैद यादें मौसीकी बना दी सबसे ऊपर रखना दामत क्योंकि पैसा बुरी आदत मौला रखेगा सलामत या शैतान बेचे लानत तो ईमान तेरी ताकत सुना जान कर कसामत एक और मौत। भाई जिसने कमेंट में गाली दी थी ना इसकी ईपी में रिएक्ट करो और गाली के साथ भाई लव यू बिल्कुल सही गाली दी थी भाई। एक चीज बताऊं अभी बड़ी बेकार चीज बताऊं बताओ भाई मेरे मुंह में च्युइंगम थी बीट स्विच हुई और मैं वाइब करने लग गया वो च्युइंगम में गलती से अब सटक गया हूं। अबे यार भाई मतलब कितनी सही भी अंडररेटेड जाएगी भाई लाइक भाई क्या 15 है भाई। भाई मैं पता किस लिए खुश हो रहा हूँ आर्टिस्ट वार्टिस्ट तो चलो अलग बात है भाई जो आर्ट फॉर्म है एक इसमें जो प्रोडक्टिविटी दिखाई है सारे बंदों ने मिलके भाई बहुत बहुत नेक्स्ट लेवल चीज़ है भाई। हमें नहीं सुनने को मिलती ऐसी चीज़ें जेन्युइनली बोलूँ तो ठीक है
बट भाई क्रेजी सिक्की बना दी सबसे ऊपर रखना थामत क्योंकि पैसा बुरी आदत मौला रखेगा सलामत या शैतान बेचे लानत तो ईमान तेरी ताकत सुना जान कर कसामत एक और मौका मांग खुदा से जानी पास है कयामत खुदा याद आता मुश्किलों में साथ ना जब कोई खुदा वहां मिला मुझे जहां उम्मीद ना थी कोई बंदे मांग के तो मतलब समझ रहे हो जब सब जगह हार जाते तब भैंस वही दिखता है और जब सब कुछ हमारे हाथ में होता तब हमें उसकी कदर नहीं होती जब कोई खुदा वहां मिला मुझे जहां उम्मीद ना थी कोई बंदे मांग के तो देख पहला आखरी है भाई वो तो सुनता है उसकी भी जिसका खुदा नहीं कोई खुदा याद आता मुश्किलों में साथ ना जब कोई खुदा वहां मिला मुझे जहां उम्मीद ना थी कोई बंदे मांग के तो देख पहला आखरी है भाई वो तो सुनता है उसकी भी जिसका खुदा नहीं कोई भाई फाइनली अपनी ईपी होती है ख़त्म SOS स्ट्रेट आउट ऑफ श्रीनगर भाई बहुत सही कश्मीर के रैपर बेसिकली ठीक है शिट भाई क्या सही चीज़ बनाई है भाई भाई सच बोलूँ मेरा माइंड ब्लोन हो गया भाई लिटरल क्रेजी मतलब क्या बंदे हैं क्या प्रोड्यूसर है भाई इनके साथ क्या गाने बना भाई इनकी क्या थिंकिंग है बंदों की भाई पर अभी हमने अभी पता है अभी हमने बस इनकी ऑडियो सुनी उससे पहले हमने भाई का टीजर देखा था इस ईपी का तब हमने यही बात बोली कि भाई इनकी प्रोडक्टिविटी भाई नेक्स्ट लेवल है क्योंकि म्यूजिक वीडियो की जो एडिटिंग है जो कलर ग्रेडिंग है लाइक मैं ये अब से नहीं अब मैंने जब इनकी बीफ हुई थी SOS सीधे मौत की तब गया था जब ब्लैक बॉल पे रिएक्शन वगैरह किया था तब भी मैंने सेम बात बोली थी चेक कर लेना चैनल पे ठीक है मैंने बहुत तारीफें करी थी भाई म्यूजिक टीजर में भी कितनी बार म्यूजिक चेंज हुआ है सीन चेंज हो रहे हैं बिल्कुल अलग ही सीन बना रखा है भाई बंदों ने टीजर खुद में एक मूवी था भाई हर गाने की वो दिखा रहा था अभी ये कोडी स्टार की वीडियो आएगी आई थिंक देखते हैं भाई रिएक्शन करेंगे भाई बट भाई भाई कैसा लगा आपको भाई बहुत जो अलग ही चीज बना रखी है भाई भाई मैं तो लूप पे फट पूंगा मतलब हाँ जैसे मैंने इक्का पाजी की ईपी सुन रहे ना भाई ये है और लेकिन ये ईपी वैसी नहीं है भाई ये तो मौज माने के लिए जैसे गौजीरा नहीं भाई ये तुम्हें बैठ के सुनने सुनो भाई बैठ के सुनो स्पीकर पे सुनो साला सुनो बस भाई मजा आया भाई ये बंदा बोल रहा था मेलेडी नहीं है साला तीन गानों में मिल गई आराम भाई अच्छा है ना हमने सीधे मौत को इतना ज़्यादा एक्सप्लोर किया क्या था मैंने पहले भी इनके गाने हो लेकिन ना सुने हो ठीक है स्ट्रेट आउट ऑफ श्रीनगर इज अ रैप डुओ बेस्ड आउट ऑफ श्रीनगर कश्मीर इज नॉट रेफर्ड टू बी इन्वेंटिव एंड ओरिजिनेटिव भाई क्रेजी आर्टिस्ट है आर्टिस्टों के पास जो आर्ट फॉर्म है देखो तुम एक ह्यूमैनिटी हेट कर सकते हो अगर तुम सीधे मौत की तरफ से हो जेन्युइनली देखो नो हेट टू एनीवन नो हेट टू एनी डुओ नो हेट टू एनी आर्टिस्ट ठीक है अगर तुम सीधे मौत की तरफ से हो तो तुम इन्हें पर्सनली हेट कर सकते हो कि ये बंदे ऐसे क्योंकि उनका सीधे मौत से मैटर है लेकिन इनके आर्ट से नफरत नहीं भाई आर्ट से नफरत नहीं होती भाई कभी नहीं होती अगर सच बोलूं अगर इनके गाने मतलब मेरे को एवरेज भी लगते ना तब भी मैं सीधे बोल देता कि भाई एवरेज गाने या फिर मज़ा नहीं आया ये वो ठीक है क्योंकि हम बहुत भाई नेक्स्ट लेवल म्यूजिक आजकल हम सुन रहे हैं ठीक है बहुत नेक्स्ट लेवल सुन लिया और काफी ज्यादा सुन लिया तो सारे गाने में एवरेज ही लगते हैं भाई बोलने के में क्या है स्ट्रेट फॉरवर्ड है हम अगर कोई चीज है नहीं अच्छी तो वो नहीं है अच्छी भाई सिंपल साफ सीधी बात हाँ अब SOS वाले MTV भसल थोड़ी हैं जो फ्रीडम ऑफ स्पीच ये चीजें नहीं बोलते अरे भाई सब बढ़िया पैसा आया ना भाई आपको MTV वाले ने भिजवाया था अरे भाई मैंने MTV की सारी वीडियोस प्राइवेट कर दी है लेट्स गो रन करिए आपके साथ बहुत ज़्यादा गलत हुआ तो हुआ खैर हम उस टॉपिक पे अभी बात नहीं करेंगे ठीक है बट भाई अगर अभी तक आपने मैं इस EP के ऊपर लेट रिएक्ट कर रहा हूँ मैंने इस EP को पहले सुना भी नहीं था मैंने अब भी फ्रेशली नए गाने सुने मतलब फर्स्ट टाइम सुना है तो भाई अगर अभी तक आपने नहीं सुने तो भाई प्लीज़ जाके चेकआउट करो बहुत ज़्यादा अच्छा DHH का तुम प्रोजेक्ट या फिर कह सकते हो बहुत अच्छे गाने मिस कर रहे हो और तुम्हें ये सुनने चाहिए तुम्हें सुनने पड़ेंगे भाई अगर तुम्हें वीडियो देख रहे हो और मेरे को वीडियो के एंड तक अगर जिसने पूरी वीडियो देखी विदाउट स्किप करे तो मेरे को कमेंट सेक्शन बताना बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर देना और भाई फुल पावर ऐसी भाई अपने ना कमेंट सेक्शन में डिमांड करते रहा करो क्योंकि डिमांड आएगी तो उससे मेरे को मोटिवेशन मिलेगी कि भाई बंदों की डिमांड आ रही है इसके ऊपर रिएक्शन करना पड़ेगा ठीक है सो गाने ऐसे होते हैं जो हमको नहीं पता कि निकल गए या फिर द पॉइंट इज़ भाई
अपने ऑडियंस से भी एक चीज क्लियर कर दूं कि लाइक इंडस्ट्री में यार कितने सारे रैपर्स हैं डीएचएच में, किस किस के ही रिएक्शन करने बैठा रहूंगा, मेरा पूरा दिन लग जाएगा भाई अगर सबके गानों पे रिएक्ट किया था, तो थोड़ा आप भी समझा करो। बट ठीक है, डिले हुआ उसके लिए आई एम रियली सॉरी। बाकी आप भी अपना ध्यान रखो। इस वीडियो के लिए तक आई स्टार्ट, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।